अजान सुनने वालों के लिए भी कितनी नेकियां कमाने का मौका है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार औरतों से फरमाया, मदीने की औरतों से, ऐ औरतों, बिलाल को अजान और इकामत देते हुए सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुना मिटाएगा। तो ख़वातीन ने कहा कि ये तो औरतों के लिए है, तो मर्दों के लिए क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्दों के लिए डबल है, मर्दों के लिए दुगना है। तो मुबारक हो, कितना आसान हो गया नेकियां कमाना। आसान का जवाब देगा तो उसको किस तरह सवाब मिलेगा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये 2 कलमे हैं जो इसको रिपीट करेगा। जब मौज़िन साहब अजान की देते हैं, आपने भी कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो ये 2 कलमे हो गए। अब पूरी अजान में 15 कलमे हैं। अगर कोई इस्लामी बहन अजान का जवाब देती है मौज़िन साहब जैसे कहते हैं और हमारी वो बहन दोहराती हैं, तो 15,00,000 नेकियां मिलेंगी, 15,000 दर्जात बुलंद होंगे, 15,000 गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और अगर मर्द कहता है तो ये डबल हो जाएगा। फजर की अजान में 2 जुमले ज्यादा हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कितने कलमे हो गए? 17 कलमे हो गए। सुभान अल्लाह। अब इजाफा किया, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया कि ये तो हो गया अजान का जवाब। इकामत का जवाब दे तो भी इसी तरह सवाब मिलता है। तो अगर कोई शख्स 5 अजानों का जवाब दे और 5 इकामतों का जवाब दे दे दिन के अंदर मर्द, तो फरमाया उसे रोजाना 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी, 3,24,000 दर्जात बुलंद होंगे, 3,24,000 गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। कितना आसान है कि अगर मस्जिद के करीब घर हो, 5 अजानों के वक्त बंदा अजान का जवाब दे, फौरन मस्जिद पहुंचे, इकामत का जवाब दे, अभी नमाज पढ़ी नहीं है, मगर उससे पहले पहले रोजाना अप्रॉक्सीमेटली 3,25,00,000 नेकियां मिल सकती हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? आज अजान की आवाज भी आती है, फिर भी लगे हुए फोन पर हैं, फिर भी अपनी बातों में लगे हुए, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अगर कोई ये कहे कि अजान की जवाब दो 10,000 रुपये मिलेंगे, पहले से ही बंदा अलार्म रखे गया है, अजान से पहले मैं 5 मिनट पहले सारे काम छोड़ दूं ताकि अजान निकल ना जाए, 10,000 हर रोज 1 अजान पर, तो 5 अजान पे 50,000 रुपए, महीने के 15,00,000 रुपए, इससे अच्छा कारोबार कौन सा है भाई? अजान का जवाब दिया करो, मस्जिद के करीब घर महंगे हो जाएंगे। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो तमाम अजानों का और इकामतों का जवाब दे तो पर अजान 50,000 रुपए, पर इकामत 50,000 रुपए, तो कितने हो गए? 1,00,000 रुपए एक नमाज के, 5,00,000 रुपए 5 नमाजों के, हिसाब करो तो कितने? 45,00,000 हो गए। 45,00,000 रुपए अगर महीने के खाली अजान इकामत के जवाब पे मिलते होते तो जनाब घर तो हो गया महंगा, मस्जिद के बाहर लाइनें लगी हूँ। दुनिया का ये हाल है, दुनिया का अगर ये मामला हो, मैं तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूँ ना कि 3,25,00,000 नेकियां रोजाना मिल सकती है अगर हम अजान का जवाब दें, हम इकामत का जवाब दें और इसको अहमियत दें, उस वक्त गुफ्तगू छोड़ दें, उस वक्त कामकाज छोड़ दें, थोड़ी देर की तो बात है, 2-4 मिनट का ब्रेक लें, फोन पे यार जरा मैं जवाब देता हूँ अजान हो रही है, रख दे फोन और उस अजान का जवाब दे, फिर फोन उठा ले, क्या होगा? इंशाल्लाह आपका ये करने से सामने वाले को भी समझ आएगी कि यार अजान का जवाब देना चाहिए। तो अजान का जवाब, हाँ ये जरूर है कि अगर शहर में एक साथ कई अजानें हुई तो किसी भी एक अजान, पहली अजान का आप जवाब दे दें, बाकी फिर अजानों का जवाब देना जरूरी, देना चाहें तो दूसरों का भी दे, सवाब कमाएं, लेकिन एटलीस्ट पहली अजान जो है उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए।